ओके, तो मैं आप सबके साथ बहुत ही अमेजिंग रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए जो भी मैंने अपने लिप्स पे लगा रखा है उसको मैं हटा रही हूँ। यस, नाउ मैं अभी फेयर लिप्स हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका के क्लोसेट अप ग्लॉस का रिव्यू और प्लस वॉच यहाँ पे मैं आपको दूंगी लिप्स वॉच। तो आई रियली होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है रिव्यू। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। यस, तो अभी मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लुक टर्न किया है जो रियली होप कि आपको बहुत पसंद आने वाला है मेरे चैनल पे। तो एवरीडे लुक है ये। ओके, सो मैं इस टॉपिक पे आती हूँ। मैं ये रिव्यू शेयर करने वाली हूँ तो इस तरीके की पैकेजिंग के साथ ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मेरा शेड है 01 हनी पू एंड आई रियली लव दिस कलर। लाइक न्यूड काइंड में है ये। आप इसके साथ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं एंड विदाउट लिपस्टिक भी इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये कलर के साथ आता है। ओके, सो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ ये मुझे रिसीव हुआ था एंड जो इसका प्राइस है इस पर मैं चेकआउट कर लेती हूँ एक बार कि कितना है। ओके, सो प्राइस नहीं मेंशन इस पे। तो ठीक है गाइस, प्राइस मैंने 450 रुपीज़ का लिया था। इसके और शेड्स और भी सस्ते थे, 350-340 इतने समथिंग के भी थे, बट मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, नायका पे अच्छी बात है कि आपको लोगों के कमेंट्स दिख जाते हैं, लाइक नीचे पिक्चर्स वो मेंशन करते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्या क्लेम करता है। ये लिखा हुआ है इस पे ग्लॉसेट अप हाई शाइन लिप ग्लॉस है ये। तो इस पे ये सारी इसकी तारीफें लिखी हुई हैं, तो तारीफों को साइड में रखते हुए मैं अपना रिव्यू इसके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस पर 1121 लिखी हुई है। यूज़ बिफोर 0424 तक आपको यूज़ करना है ये। सो वेगन प्रोडक्ट है ये, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, मिनरल ऑयल फ्री है ये, पैराबिन फ्री है, नो एनिमल टेस्टिंग इस पर हो रखी है, प्रिजर्वेटिव। सो इस तरीके की पैकेजिंग के साथ ये लिप ग्लॉस आपको रिसीव होता है जिसपे फ्रंट पे लिप ग्लॉस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ब्लैक पैकेजिंग जो कि मैट काइंड में प्लास्टिक में है, इधर ग्लास टाइप नहीं बोल सकते, ये भी प्लास्टिक है बट ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर आपको शेड मिल जाएगा। ओके, राइट नाउ मैं इसे लिपस्टिक के साथ आपको यूज़ करके दिखाऊंगी एंड फिर बिना लिपस्टिक के आपको यूज़ करके दिखाऊंगी और पहले उससे अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरीके से है ये शेड। तो सुंदर लग रहा है यार, ये बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि मुझे ना पर्सनली न्यू शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट मैं लिपस्टिक लेके आती हूँ, उसके साथ आपको दिखाती हूँ। ओके, सो लेके भी आई तो नायका की ही लिपस्टिक लेके आई जो कि है जैन शेड 11। तो ये मैट लिपस्टिक है, बहुत ही सुंदर है ये। इसका भी पूरा रिव्यू दूंगी आपको कभी ना कभी, बहुत सुंदर है। ठीक है, देखना है तो बता देना कि कैसा है ये, कैसा नहीं, खरीदने वाला चीज है नहीं है। ओके, ठीक है, मैंने इसे लिप्स पे लगा लिया है तो आप देखोगे थोड़ा सा ब्राउन टोन, ऑरेंजिश टोन इसका आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे अपना लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। ध्यान से देखना थोड़ा क्योंकि लिपस्टिक का कलर आपको फर्क में पता लगना चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इसके बारे में। ओके, सो ये आ रहा है मेरी लिपस्टिक के साथ कलर और बहुत सुंदर है यार। सीरियसली इस लिपस्टिक को एक सेकंड में शीशे में देख ली थी, बहुत सुंदर लग रहा है, सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है। हल्का सा पॉज दे देती हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। ओके गाइस, तो ये तो हो गया मेरी लिपस्टिक के साथ इसका रिव्यू। अब मैं लिपस्टिक हटा रही हूँ और देखते हैं लिपस्टिक हटाने के बाद इसका कलर कैसा आता है। बहुत ही अच्छे से मेरे पास वेट वाइप है, उससे हटा रही हूँ। ठीक है, हट गया ये, हट चुका है। ओके, तो अब मैं इसे बेयर लिप्स लगाती हूँ। एग्जैक्टली ना ये आपके लिप्स को ना थोड़ा सा कोरल भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा न्यूड काइंड में कलर देता है, बहुत ही सुंदर वाला। ओके, तो विदाउट लिपस्टिक ये कुछ इस तरीके का नजर आता है और बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है ये।
ये वाला शेड बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। नाउ अब बात करते हैं इसके स्टेइंग पावर की। तो गाइज इट्स अ लिप ग्लॉस, तो अगर आप कुछ भी खाते हो ऑयली या फिर पानी भी पीते हो ना तो उस पे इसका निशान आ जाएगा, ठीक है। और ये स्टेन नहीं रहता, मतलब स्टेइंग पावर इसकी मैं इस तरीके से आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं तो ठीक रहेगा, बट अभी तो मास्क ऑन है ना, तो मास्क के साथ ही वैसे भी मास्क पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो जैसे ऑयली कुछ खा रहे हैं, रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं ना, ये हट जाएगा। अगर आप पानी भी पीते हैं तो ये ग्लास पे भी चिपक जाएगा। सी ये देखो, सी है ना, तो हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर कलर है। लेकिन हाँ बात करें इसकी स्टेइंग पावर की, तो इतनी ज़्यादा अच्छी इसकी स्टेइंग पावर नहीं है, बट आपको एक अच्छा लिप ग्लॉस चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये था मेरे नायका के ग्लॉसिट अप ग्लॉस का रिव्यू प्लस वॉच। तो आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय।